वेद व्यास के सुपुत्र जो कहते हैं वही संत आसाराम बापू जी के नंदन सुपुत्र आपको समझा रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं और मैं अंतवासियों से यह कह रहा हूं कि भगवान का कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन लोगों के सारे पाप ताप को तत्काल नष्ट कर देता है। तत्काल मतलब क्षिप्रम भवति। क्षिप्रम को अंग्रेजी बोलते हैं, मैं क्षिप्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं क्विकली, फटाफट, सडनली, फास्ट, जल्दी कर लो, ताबड़तोब, फटाफट कर लो, जल्दी कर लो। तो ये भगवान का स्मरण चिंतन दर्शन वंदन पूजन सारे पाप ताप को नष्ट करता है। सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भद्र तो सुना, वेद कहता है भद्रम करने भी ही। भद्र सुनो, अपने कानों से बढ़िया सुनो, गाली गलोच मत सुनो। कोई गाली गलोच देता है तो सुन लिया, पाप लग गया। कोई कहता है आपका धर्म कैसा कि गाली सुन लो तो पाप हो जाता है, गाली बोलो तो पाप हो जाता है, एक चींटी मार दो तो पाप लग जाता है, ऐसा कैसा आपका हिंदू धर्म है? जो कुछ गलत देख लो तो पाप हो गया, गलत सुन लो तो पाप हो गया, कुछ छोटा मोटा ऐसा वैसा कर दो तो पाप हो गया, ऐसा आपका हिंदू धर्म कैसा है? लेकिन ये विशेषता भी तो देखो कि कोई पाप हो गया तो जरा सा संत दर्शन कर लो पाप मिट गया, जरा भगवान का नाम बोल दो तो पाप मिट गया, सूर्य का दर्शन कर दो तो पाप मिट गया। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है अपने इस सनातन दिव्य सनातन संस्कृति में। गौरांग चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े उच्च दर्जे के पंडित थे। बच्चों को जो पढ़ाते थे उनके पढ़ाने का ढंग और शैली ऐसी होती थी कि दोबारा उनको किताब देखने की जरूरत नहीं रहती थी। एक ही बार उनसे पढ़ लें तो दिमाग में ऐसे कंप्यूटर की नहीं फिट हो जाता था। परीक्षा देने वो बच्चे जाते थे और उनको दिमाग में ऐसा याददाश्त उनकी तगड़ी हो गई कि वो लिख देते थे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, पहला नंबर में आते थे, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते थे। उनका बहुत नाम फैल गया। बोले जो पंडित जी से पढ़ता है ना वो नापास हो जाए ये प्रश्न ही नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो काफी विद्यार्थी उनसे पढ़ने को आए। एक दिन सुबह वो ध्यान में बैठे तो उनको विचार आया, मैं पंडित बन गया, विद्वान बन गया, बच्चों को पढ़ाया और बड़े बड़े विद्वानों से मैंने शास्त्रार्थ किया, सबको हरा दिया, दिग्दिगांतर में मेरी कीर्ति मेरा नाम फैल गया, लेकिन इससे तो अभिमान बढ़ गया कि मैं बड़ा पंडित हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरा बड़ा नाम है। जब विद्यार्थी उनके पास एक दिन पढ़ने को आए तो उन्होंने कहा लिखो, मैं लिखाता हूं, समझ लो, उस परमात्मा को जानना यही ज्ञान है और उसको नहीं जानना ये अज्ञान है, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। तो बोले आप हमें पढ़ाओगे नहीं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जो भगवान से प्रेम करता है, प्रीत लागी है कि लागी है, ऐसी प्रीत परमात्मा से हो जाए। अब भक्ति सिद्धांत की बात मैं आपको बताता हूं कि भक्ति शास्त्र का सिद्धांत कहता है कि पहले पहले मनुष्य के मन में श्रद्धा पैदा होती है। ये श्रद्धा समझ लो बीज है, उसको पानी और खाद नहीं मिला तो वो बीज सड़ जाता है। तो संत के लिए, आचार्य के लिए, सद्गुरु के लिए या आचार्य के लिए पहले पहले धर्म के लिए श्रद्धा होती है।
वो अगर सद्गुण बढ़ाने वाले लोग मिले तो वो श्रद्धा बढ़ती है, और अगर कहीं कुछ 19-20 ऐसा देख लिया या कोई निगुरे नास्तिक का संपर्क हो गया तो वो श्रद्धा फिर मिट जाती है, डावाडोल हिल हो जाती है, हिल जाती है। इसलिए कहा है कि जो धर्म का निंदक है, संत का निंदक है, भगवान का निंदक है, उससे दूर रहना चाहिए। संत तुलसीदास जी कहते हैं, हरि गुरु निंदा सुन ही जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। गौ की हत्या करने से जो पाप लगता है वही पाप लगता है भगवान की, सतगुरु की, संत की निंदा सुनने से, करने से। हरि गुरु निंदा सुन ही जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर हो वहीं, दादुर मतलब मेढक, और जन्म सहस्त्र नर पावहीं सोई, मर के पुनः मेढक, मेढक मर के पुनः मेढक, ऐसा हजार जन्म उसके मेढक के होते रहते हैं जो भगवान की, गुरु की, धर्म की, संत की निंदा करता है। और संत कबीर जी महाराज कहते हैं, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, कि हजार पापी मिलेंगे तो हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन निंदक मिलेगा तो वो हमारी श्रद्धा को, हमारी भक्ति को, हमारे विश्वास को हिला देगा। जिस श्रद्धा के पतले धागे के सहारे पर हम भगवान तक पहुंच सकते थे, उसी श्रद्धा को जो काटता है, हिलाता है, हजार पापियां पापी मिलकर उनका पाप उतना भारी नहीं होता जितना संतों की और गुरु की निंदा करने वाले के पाप भयंकर होते हैं। इसलिए भगवान हमको उनसे बचाए। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर हजार पापिन को भार, हजार पापियों का भार एक निंदक के सिर पर होता है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि गुरु निंदा करम दृष्ट्वा धावये दथ वासयेत स्थानम वा तत्परि त्याज्यम जिह्वा छेदाक्षमो यदि, कि आप यदि निंदा करने वाले व्यक्ति की जीभ को काटने में असमर्थ हो तो आपको उस स्थान का शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए जहां धर्म की निंदा होती है। इस मामले में मुसलमानों को हम धन्यवाद देते हैं, ईसाइयों को हम धन्यवाद देते हैं, किसी पादरी के खिलाफ, किसी पोप के खिलाफ ईसाई लोग निंदा नहीं सुन सकते। कोई अपने धर्म गुरु के लिए या अपने धर्म पुस्तक कुरान के लिए या अपने मुस्लिम धर्म के लिए या किसी मौलवी के लिए कोई अगर उंगली उठाता है या आवाज खड़ी करता है तो उसकी खबर ले लेते हैं और देश भर में विद्रोह की अग्नि फैल जाती है, कर्फ्यू लग जाता। लेकिन अपने सनातन धर्म में सहिष्णुता के नाम पर हिंदू लोग अपने धर्म की निंदा कभी कर लेते हैं, सुन लेते हैं, ये अपने सनातन धर्म के लिए बड़ा कलंक है। इस कलंक को भी उखाड़ कर फेंकना चाहिए। अपने धर्म में रहना, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है, लेकिन अपने धर्म के बारे में निंदा न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। अपने धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु को हुआ कि ये मुझे जो अभिमान है ना, वो ठीक नहीं है। बच्चों को पढ़ा तो दिया लेकिन सड़कों पर निकल पड़े, मुंडन करा दिया, चोटी रख ली, एक धोती ऊपर पहन ली, एक धोती नीचे बांध ली, और नंगे पांव मृदंग ले लिया, एक अपने सहपाठी के हाथ में मंजीरा पकड़ा दिया, किसी के हाथ में करताल पकड़वा दी, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल, ऐसे भगवान के नाम में
अलमस्त हो गए कि जंगल के रास्ते से गुजरे, हरि बोल करते करते तो जंगली हिंसक जानवर भी उनके कीर्तन के प्रभाव से अपना हिंसक स्वभाव भूल गए और हरि बोल हरि बोल हरि बोल के उस कीर्तन में नाचने लगे। ऐसा फोटो मैंने देखा है, मेरे पास जो पुस्तक है उसमें ऐसा फोटो है जिसमें वो और उनके मित्र नाच रहे हैं और हिंसक जानवर भी उसमें नाच रहे हैं, ऐसा फोटो है। तो वो चैतन्य महाप्रभु जिनको गौरांग कहा, वे क्या कहते हैं? तृणादपि सुनीचे न तरो रपि सही सुनुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि ही। कि तृण से बढ़कर दीन भाव रखो, वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु भाव रखो, सबको मान दो, सबको सम्मान दो, सबका भला चाहो, सबका हित करो और सदा हरि का कीर्तन करो। कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे सिंधु पार। कि इस सिंधु से तरने का सबके लिए सहज मार्ग है भगवान के नाम का कीर्तन। कलौ तद हरि कीर्तनात्। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में हरि कीर्तन की महिमा है। और जब सामूहिक रूप में मिलकर हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं ना, तो तुमुल ध्वनि उत्पन्न होती है। जो वातावरण में व्याप्त दोष है और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो नष्ट होते हैं भगवान के नाम के कीर्तन से। आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। एक संत थे, माघ महीना शुरू हो चुका है ये, और इलाहाबाद में प्रतिवर्ष माघ महीने की शुरुआत होती है और देश भर में से अच्छे तपस्वी, साधना करने की इच्छा वाले वीतराग वैरागी लोग इकट्ठे होते हैं गंगा यमुना और गुप्त सरस्वती के संगम स्थल के आसपास। अपने अपने तंबू, अपनी अपनी झोंपड़ियां तान लेते हैं और कल्पवास करते हैं, तीन समय का स्नान करते हैं, सुबह दोपहर और शाम। तो एक संत का बहुत अच्छा आश्रम था, बहुत उनके शिष्य भी थे। माघ महीना आया तो उन्होंने सोचा कि मैं अकेला थोड़ा समय ये कल्पवास करूं। भक्तों ने, शिष्यों ने कहा हम भी आपके साथ सेवा में रहेंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई भजन तो अकेले में होता है, दो होंगे तो बातें होगी इधर उधर की, भजनम एकत्वम, एक में भजन करो। तो किसी भी साथी सेवक चेले चपाटे को लिए बिना वो संत अकेले गए। बोले आप सब लोग इधर ही रुको, यहीं अपना भजन ध्यान सेवा साधना करो, हम अकेले जाते हैं। और प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर छोटी सी घास फूस की कुटिया बनाकर उसमें 40 दिन का संकल्प करके बैठे कि मैं यहाँ अनुष्ठान करूँगा, तीन समय स्नान करूंगा, भगवान के नाम का जप करूंगा, इतनी माला करूंगा, इतना स्वाध्याय करूंगा। ऐसा अपने जीवन में बांध दिया, सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या तय कर ली। 40 दिन पूरे हुए, वो सोचने लगे कि 40 दिन तो मैंने इतना अच्छा किया तो मुझे खूब पुण्य फल मिल गया होगा। 40वें दिन की रात में उनको देवता ने स्वप्न दिया कि महाराज तुम समझते हो 40 दिन मैंने गंगा स्नान किया, झोंपड़ी में रह के तपस्या किया और मुझे गंगा स्नान का फल मिल गया और ये वो, लेकिन आपको मिला है लेकिन आपसे भी अधिक पुण्य एक मोची ले गया है। वो मोची रत्तु चमार यहां से इस गांव में रहता है, वो चमार का पुण्य आपसे भी अधिक है।
40 दिन तो पूरे ही हो चुके थे, दूसरे दिन तो जाना ही था। अपना झोली झंडा जो भी कमंडलू लेकर चलते बने उस रत्तू चमार का, घर ढूंढते ढूंढते उस गांव में पहुंचे। पता चला कि आगे ही उसका घर है। वो बाहर ही बैठा था। रत्तू, रत्तू भैया, राम राम। वो रत्तू जी ने भी हाथ जोड़ कर देखा, संत भगवान हमारे घर में आए, हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, संत भगवान की जय हो, यहाँ कैसे पधारे। बोले बस इस बात का जवाब दे दे कि तूने गंगा स्नान किया है कि नहीं। बोले नहीं, मेरा विचार तो खूब था कि मैं जाऊंगा, लेकिन जो ही मैं जाने के लिए जिस दिन तैयार हुआ उसी दिन की अगली रात्रि को मेरे घर से तीन घर आगे रात के समय बच्चों के रोने की आवाज और एक महिला के रोने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं उठकर गया, वहां तो पता चला कि कई दिनों से उन बच्चों ने और उस महिला ने कुछ खाया नहीं है। उसका पति संसार से चला गया है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और स्त्री उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संभाले कि नौकरी करे क्या करे, उसको कोई काम नहीं था, उसके घर में कुछ अनाज नहीं था। भूख से बिलखते बच्चों को देखकर पूरे साल भर में थोड़े 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 करके जो मैंने पैसे इकट्ठे किए थे प्रयागराज जाने के लिए, वो सारे पैसों का मैंने सीधा सामान खरीद लिया, राशन पानी, और वो ले जाकर उस महिला को मैंने दे दिया। मैंने सोचा चलो अगली बार जाएंगे। वो संत ने उस रत्तू को प्रणाम किया कि धन्य है तेरी सद्भावना जो असहायों को सहायता करता है, जो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देता है, और जो निराधार का आधार बनता है वो गंगा स्नान करने न जाए, जप पूजा पाठ न करे तो भी उसको घर बैठे उसी का फायदा फल मिल जाता है। धन्य है हमारी संस्कृति, धन्य है हमारे यहाँ के लोग। बाहर से तो गरीब दिखते हैं, बाहर से तो वो चमार है, लेकिन उसको वो साधु ने 40 दिन का जो साधना किया गंगा किनारे, उनको जो फल मिला उससे भी अधिक फल वो रत्तू चमार को मिल गया। इसलिए कल मैं यहाँ आया तो मैंने कहा भाई यहाँ के आसपास के जितने भी गरीब लोग हैं उनको चुन लो, उनको पास दे दो, एक एक परिवार में एक एक पास, वो आ जाएं, उनको गेहूं, मिठाई, महिलाओं को साड़ी, बड़ों को धोती, और जितनी भी दक्षिणा होगी वो सब मेरी। मेरी तो क्या है, उसी परमात्मा की है। भगवान तो हमको सेवा करा के निमित्त बनाना चाहता है, बाकी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। तो आखिरी दिन मतलब कल दोपहर को भंडारा भी होगा, जो आए भोजन प्रसादी पाए, और ऐसे गरीब लोगों को दरिद्र नारायणों को पास दिया जाएगा, वो लोग आए उनको भोजन दक्षिणा धोती में जो भी होगा थोड़ा थोड़ा जितना समिति से हमसे बन पड़ेगा देंगे। आप खाने में वो मजा नहीं जो दूसरों को खिलाने में है। जिंदगी है 4 दिन की, तू औरों के काम आना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में काम आना सीख ले। अपने और अपने परिवार को तो हर कोई खिला लेता है, चिड़िया भी दाना कर लेती है और अपने बच्चों की चोंच में वो दाना डाल देती है, चींटी भी अपना घर बना देती है अंडे लेकर, वो बरसात आने से पहले ही अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है, मधुमक्खियां भी फूलों में से रस ले लेती है और अपने बच्चों के मुंह में रस डाल देती है, शहद इकट्ठा कर लेती है।
लेकिन धन्य तो वो है जो दूसरों के काम आता है, दूसरों के हित जो रोता है, दूसरों के हित जो हंसता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। इसलिए परहित का भाव जो रखते हैं, लोक मंगल का जो भाव रखते हैं, सचमुच में वो बहुत बहुत पुण्य इकट्ठे कर लेते हैं। वो मरकर फिर परमात्मा के उस दिव्य परम धाम को जाते हैं जहां से फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। तो भगवान का स्मरण, भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्, कि तू सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर, मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। अब अर्जुन युद्ध करते हुए अगर भगवान को याद करता है तो उसका कल्याण होता है और सद्गति होती है। तो माइयां तुम आटा गूंदते गूंदते, रोटी बेलते बेलते, सब्जी काटते काटते, दाल की छौंक लगाते लगाते, और भाइयों तुम खेत खेड़ते खेड़ते, दाना डालते डालते, कपड़े धोते धोते, नोट गिनते गिनते, अपना दुकान धंधा संभालते संभालते, अगर परमात्मा में मन लगाओगे तो मरने के बाद परमात्मा को ही उपलब्ध हो जाओगे। ये भगवान का वचन है। भगवान का श्री विग्रह अलौकिक है। सनकादि चरण की गंध से उनका मन परिवर्तन हो गया। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिण। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि मेरा जो ये विराट रूप तूने देखा, इसका दर्शन दुर्लभ है। इस रूप को देखने के लिए देवता भी लालायित होते हैं। और भगवान का वंदन कैसा कि भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणं। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार मेरे साथ अपने आप को लगा कर, मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। हरि 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 सब मिटे संत मिले यह सब मिटे काल जाल जम चोट काल जाल जम चोट शीशन मावत ढही पड़े शीशन मावत ढही पड़े सब पापन की पोट सब पापन की पोट। हरि हरि ओ आजकल छोटी छोटी बातों में लोग डर जाते हैं, चिंता करते हैं, दुखी हो जाते हैं, तनाव निराशा डिप्रेशन हो जाता है। तो चिंता करने से शरीर में ब्लड प्रेशर हो जाता है, आज का विज्ञान और डॉक्टर बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट और शुगर के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चिंता करने से कार्य कुशलता कम हो जाती है, आय घट जाती है, जीवन स्तर गिर जाता है, परिवार में अशांति पैदा हो जाती है। तो चिंता
यह रोग है। कार्यकुशलता, आयुष्य, आरोग्य चिंता से घटता है, इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसी भी मुसीबत हो जाए, लेकिन चिंता नहीं करेंगे। हमारी चिंता हमारी नहीं है, वो परमात्मा की चिंता है। इसलिए अपनी चिंता को ईश्वर पर डाल दो और निर्भीक और निश्चिंत हो जाओ कि हे दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, करुणानाथ, मेरी नैया तेरे हाथ। ऐसा करके निर्भार और निश्चिंत होके, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में निर्भार, निश्चिंत और निर्भय होकर सोता है, ठीक उसी प्रकार हम भी निश्चिंत और निर्भय होकर जीवन जिए, चिंता के बोझों को अपने सिर पर हावी न होने दें।